सोफिया चल परी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पिता बैगन उगाया करता था। अपने पति के साथ साथ सोफिया की माँ आलिया नांगन अपने पति के साथ फसल की देखभाल किया करती थी। एक दिन दोनों घर लौट रहे थे। ए जी सुनो, मैं उड़ते उड़ते थक गई हूँ, मुझे और नहीं उड़ा जाएगा। आप रास्ते वाली नदी पर रुकना, थोड़ा पानी पीकर आराम करेंगे, फिर चलेंगे। जैसे ही वो नदी किनारे पानी पीने के लिए उतरते हैं, तो वहाँ पर शिकार की तलाश में बैठे मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें वहीं खा जाते हैं, जिससे उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है, जब सोफिया के माँ बाप घर नहीं लौटते तो सोफिया को उनकी चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज मम्मी पापा कहाँ रह गए, कितनी रात हो गई है अभी तक नहीं आए, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, क्या करूं, किससे पूछूं? सोफिया पतलू नाग के घर जाती है। पतलू चाचा, ओ पतलू चाचा, क्या आपने मेरी मम्मी पापा को देखा है क्या, अभी तक वो घर नहीं आए। नहीं बेटा, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा, आज तो मैं अपने खेत में गया ही नहीं था, रात बहुत हो गई है, तू अब अपने घर जा, कल सुबह देखने जाएंगे। अगले दिन सोफिया जलपरी पतलू नाग के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। पतलू नाग सोफिया के साथ मिलकर उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, अरे सोफिया जल्दी जल्दी इधर आओ, ये देख तेरे माँ बाप तो मर चुके हैं, इन्हें मगरमच्छ ने खा लिया है। चाचा अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूँ, मैं तो यतीम हो गई। मत रो बेटा, मैं तेरी बुआ लूसी कबूतरी को फोन करके बुला लेता हूँ, तू उसके साथ उसके घर चली जाना। सोफिया का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ लूसी कबूतरी आती है और वो सोफिया को लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ ही दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी का पति बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे लूसी कबूतरी, तूने कहाँ से इस मुसीबत को अपने गले में बांध लिया है, इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है और तू इस मनहूस को यहाँ लेकर आ गई। हाँ जी आप ये ठीक कह रहे हो, पक्षियों के जिद करने की वजह से मैं इसे साथ लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और तो और कुछ ही दिनों में ये बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी का खर्चा भी होगा, ऐसा करती हूँ इसे जहर देकर मार देती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम ठीक समझो लूसी कबूतरी वो करो, मैं क्या कह सकता हूँ। बुआ और फूफा की बात सोफिया सुन लेती है और वो रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वो वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वो वहाँ अपना घोंसला ना देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो पतलू नाग के घर जाती है। पतलू चाचा, ओ पतलू चाचा, मेरे यहाँ घोंसला था, वो कहाँ गया? क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया, अब तुम्हें रहने के लिए दूसरा घर बनाना होगा। फिर सोफिया अपने बैगन के खेत में पहुँचती है और वो वहाँ की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा मम्मा, अब मैं यहीं रहूंगी और आपकी तरह बैगन की खेती करूंगी, आप दोनों जहाँ कहीं भी हो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। बेटा तूने अपना मट्टी का घर बनाकर बहुत अच्छा किया, अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में जरा भी शर्म ना करना, मैं हर वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। पतलू काका, मैंने बैगन उगाने का फैसला किया है। ठीक है बेटा, मैं तुझे बैगन के अच्छी किस्म के बीज लाकर दे दूंगा। फिर पतलू चाचा वहाँ से चला जाता है। इसी तरह सोफिया मट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल कार्टून स्टोरी टीवी को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक दिल जल परी। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में कौड़ा नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी एक माँ थी। वो बहुत गरीब था। उसे ऐसी कमाई करने का बहुत शौक था जिसमें मेहनत कम हो, इसलिए वो अपने लकड़ी काटने वाले काम से बहुत तंग आया हुआ था। वो दरिया के किनारे लकड़ी काटता और उसे शहर में जाकर बेच देता था। फिर वो उन पैसों को संभाल कर रख देता था, यहाँ तक कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ भी मुश्किल से लेकर आता था। एक दिन कौड़ा लकड़ियाँ काट रहा था। आखिर कब तक मैं ये लकड़ियाँ काटने वाला काम करता रहूँगा? ये काम मेरे लिए नहीं है, इसलिए तो मुझे कभी कभी फीलिंग आती है कि मेरे पास भी बहुत बड़ा घर और गाड़ी होगी। पर यार, मेरा ये ख्वाब कब और कैसे पूरा होगा? इसके लिए मुझे ज़रूर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे तो सारी ज़िंदगी लकड़ियों पर कुल्हाड़ी चलाता रहूँगा और मेरी इस तरह फिटनेस भी ख़राब हो जाएगी और फीमेल भी मुझ पे आशिक होना बंद हो जाएगी। बस कौड़े खान, बस जो लकड़ियाँ कट गईं इन्हें बेच कर आओ। फिर वो कौड़ा कटी हुई लकड़ियाँ बेचने जाता है। अरे भाई, तुम मुझे लकड़ियों के अच्छे पैसे दिया कर। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए ही दे देते हो। कौड़ू, शुक्र कर, मैं तुम्हें लकड़ियों के 500 रुपए दे देता हूँ, वरना तेरी लकड़ियाँ काटने का तरीका ठीक नहीं है। सारी लकड़ियाँ तो गलत काटता है, फिर मुझे इन्हें बेचने में मुश्किल होती है। हाँ हाँ, कह दे तू, मुझे लकड़ियाँ काटनी नहीं आती। तूने फिर बेटा मेरा लकड़ियाँ काटने का तरीका ही नहीं देखा। तू कभी चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं किस कारीगरी से लकड़ियाँ काटता हूँ। बस कौड़े, तेरी सारी फनकारियाँ इस लकड़ियों से नजर आ रही हैं, तुझे 500 रुपए ही मिलेंगे। यार भाई, तो क्या हो गया भाई, की थोड़ी सी हेल्प ही कर दे। मैं तो ये लकड़ियों का काम मजबूरी में करता हूँ, वरना ये काम मेरे लिए नहीं है। तुझे पता है कि मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। आज तो मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दे, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। इस तरह की फनकारियाँ मेरे साथ चलने वाली नहीं। तेरी तेरी तरह के बहुत से परिंदे आते हैं मेरी दुकान पर। चल शाबाश, ये 500 रुपए पकड़ और यहाँ से चलता बन। फिर कौड़े ने उससे 500 रुपए लिए और वहाँ से चला गया और अपने घर आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आज दवा तो ला दे। अम्मा, मुझे एक बात बता, मैं रोजाना के 500 रुपए कमाता हूँ और उन 500 रुपए में से मैं अगर तेरे लिए दवाई लाऊं तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा? तू गंदी गंदी चीजें खाती है, फिर दवा के लिए मुझे तंग करती है। देख अम्मा, तू कोशिश किया कर, दवा के लिए मुझे तंग मत किया कर और सुबह गरम गरम पानी पिया कर, इससे मैदा साफ रहता है तो इस तरह तेरी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। वाह वाह बेटा वाह, बहुत हक अदा कर रहा है माँ का। तुझे माँ के मकाम का पता ही नहीं है, तू इतना छोटा सा था जब तू पैदा हुआ था। अम्मा बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ और कोशिश किया कर मुझे दवा के लिए तंग मत किया कर। ठीक है बेटा, खुश रहे, मैं माँ हूँ फिर भी तुझे दुआ ही दूंगी। कौड़ा अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था, उसे माँ के दर्जे का पता ही नहीं था। फिर कौड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। आज अम्मा को दवाई ला देता हूँ, वरना अम्मा हर वक्त तंग ही करती रहेगी। ये कहा तो पानी से एक जल परी निकली। कौड़ा उसे देखकर परेशान हो गया। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी, तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ की दवाई के लिए बहुत फिक्रमंद हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जल परी देख कर कौड़ा खुश हो गया और कहने लगा, हाँ जल परी, मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ और उनकी बहुत खिदमत करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते उनका ख्याल करने के लिए। मैं उनकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी इस दुनिया में बहुत अच्छे जहन वाले और खिदमत करने वाले जीवित हैं जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार? प्यार का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है,
मैं तो अपनी माँ पर अपनी जान देता हूँ। बस ठीक है, तुम अपने घर जाओ, मैं रोज तुम्हारे घर में एक मोती फेंक जाया करूँगी। तुम उसे बेच देना तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। कौड़ा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से अपने घर गया और घर के बाहर बैठकर जलपरी का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा वहीं जलपरी उड़ती हुई आ रही है। उसके हाथ में एक मोती है। जलपरी ने वो मोती कौड़े के पास फेंक दिया और वहां से चली गई। कौड़े ने मोती उठाया और कहने लगा, वाह वाह जलपरी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो मेरे मजे हो जाएंगे। बस तुम रोज आना और रोज मुझे मोती देना, मैं रोज मोती बेचकर जल्द अमीर हो जाऊंगा। फिर कौड़ा वो मोती लेकर सुनारे की दुकान पर गया। अरे सुनारे साहब, मैंने एक नायाब मोती बेचना है, जरा देखो तो सही कितने पैसे मिल जाएंगे। सुनारे ने कौड़े से मोती लिया और उसे देखने लगा और देखकर वो कहने लगा, वाह भाई वाह, ये मोती तो असली मोती है, तुम्हें ये मोती कहाँ से मिला? मुझे जहाँ मर्जी से मिला हो, ये मोती तुमने खरीदना है तो खरीदो, वरना मैं किसी और सुनार के पास चला जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, मैं ही खरीदता हूँ, ये मोती तो बहुत प्यारा मोती है। प्यारा तो बहुत है, असल में हम अमीर परिंदे हैं, हमारे पास तो इस तरह के मोती भरे पड़े हैं। ये तो आज मेरा दिल किया कि चलो एक मोती बेच दूं, अगर अच्छी कीमत मिलेगी तो रोजाना एक मोती लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, तू रोज मेरे पास मोती लेकर आया करो, मैं रोज ही खरीद लूंगा। वैसे मैं तुझे इस मोती के 10,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। 10,000 रुपए सिर्फ? ये मोती बहुत नायाब है, इतने थोड़े पैसे मैं नहीं लूंगा, थोड़ा रेट बढ़ाओ। ठीक है, मैं इसके तुझे 15,000 दे दूंगा। मुझे सौदा मंजूर है। सौदा होने के बाद कौड़ा वहां से चला गया और कहने लगा, अब मैं जल्दी से जाकर घर के पास बैठ जाता हूँ और उस जलपरी का इंतजार करता हूँ। इस तरह कौड़ा रोज घर के बाहर बैठता और रोज जलपरी उड़ती हुई आती, एक मोती फेंक कर चले जाती। कौड़ा रोजाना वो मोती उठाता और जाकर उसे बेच देता और मिलने वाली रकम को संभाल कर इकट्ठा करता। इस तरह कौड़े ने बहुत अच्छा घर और गाड़ी बना ली थी। एक दिन कौड़ा अपनी गाड़ी पर जा रहा था कि कौड़े को एक परिंदा मिला। अरे भाई, क्या तुमने एक जलपरी देखी है जो अक्सर इस गांव में आती है? तो तुमने क्या करना है उस जलपरी का? अरे भाई, जो भी उस जलपरी को पकड़ेगा तो चौधरी साहब उसे घर, गाड़ी और बहुत सारी जमीनें इनाम में देगा। अगर मैं वो जलपरी पकड़ कर लाऊं तो फिर तो वो हर चीज तुम्हारी होगी और साथ में बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। ठीक है, अपने चौधरी से कहो ये सब चीजें मेरे नाम करने का बंदोबस्त करे, कल मैं जलपरी पकड़ कर ले आऊंगा। यार तुम कैसे पकड़ोगे? अरे मैंने बहुत बड़े बड़े मिशन पूरे किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अगले दिन कौड़ा एक पिंजरे में बंद हो गया और जलपरी का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जलपरी मोती डालने आई तो कौड़ा बोला, जलपरी बाजी, कोई मुझे इस पिंजरे में बंद कर गया है, आप मुझे इस पिंजरे से निकाल दें। फिर जलपरी कौड़े को निकालने के लिए उस पिंजरे में आई तो कौड़ा दूसरी तरफ से निकल गया और पिंजरा बंद कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम मेरे लिए एक छोटा सा टोंटू नाम मोती लेकर आ जाती हो, मैं बहुत जल्द अमीर होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है। तुम्हारे सौदे के बदले में मुझे सोना, हीरे, मोती और जवाहरात मिलेंगे। इतने में वो परिंदा भी वहां आ गया। गुड कौड़े, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चौधरी साहब भी यहाँ आ रहे हैं। इतने में जलपरी के जहन में एक तरकीब आई और वो कौड़े से कहने लगी, कौड़े तुम मुझे इसमें से निकाल दो, मैं तुम्हें उस चौधरी से भी ज्यादा सोना, हीरे और मोती दूंगी और तुम्हारा पूरा घर हीरों से भर दूंगी। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी, ठीक है मुझे सौदा मंजूर है। अरे ओ कौड़ू, पागल मत बनो,
ये वापस नहीं आएगी, इसे जाने मत दो, चौधरी साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तू चुप कर, ये मुझे इतना कुछ देगी मैं तेरे चौधरी जैसे 10 चौधरी खरीद लूंगा। मैंने आपको आजाद कर दिया है और आप जल्दी से मुझे अमीर कर दें। चुप कर लालची परिंदे, ये तो मैंने तुझे लालच दी थी यहाँ से निकलने के लिए। जलपरी बाजी ऐसा मत करो, चौधरी मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर जलपरी वहाँ से चली गई और चौधरी भी वहाँ आ गया। कहाँ है जलपरी? चौधरी साहब, इसने जलपरी को आजाद कर दिया है पैसों की लालच में, और वो इसे ठेंगा दिखा कर चली गई और अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। अरे ओ बगैरत परिंदे, ये तूने क्या किया? मेरी इजाजत के बगैर तूने उसे छोड़ दिया, लटकाओ इसको उल्टा। फिर चौधरी ने कौड़े को उल्टा लटका कर खूब कोड़े मरवाए कि उसको नानी याद आ गई। बेशक लालच बुरी बला है, कौड़े ने लालच की, वो उस एक मिलने वाले मोती से भी हाथ धो बैठा। जिंदगी में कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला है। और हाँ, भलाई का बदला हमेशा भलाई से देना।